हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2019 के लिए अब लास्ट टू डेज हैं, लास्ट टू डेज बचे हुए हैं, और इन लास्ट टू डेज में क्या हमें करना चाहिए जिससे हम अपने इम्प्रूवमेंट कर सकें इस कोर्स में। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लास्ट में टिप्स देना चाहूँगा आपको। ये टिप्स डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट लाएंगी। और लास्ट डे हम अपने आप को कैसे मेंटेन करें। अब देखिए, ये ऑनलाइन एग्जाम है तो आप में से कुछ बच्चों का हो सकता है 8 को हो, कुछ का 9 को, 10th को, 11th को या 12th को, तो हो सकता है ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर 8 के लिए है तो 2 डेज है, पर 9th के लिए तो 3 डेज है, 10th के लिए तो लास्ट 4 डेज हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से कुछ हो सकता है आर्किटेक्ट भरा हुआ, उनके लिए तो संडे को ही पेपर है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा और कुछ जो क्वेश्चन आपने भेजे हैं उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा सेशन सुनिए। जब IIT-1 का एग्जाम था तो मैंने जो लास्ट मिनट ऑल द बेस्ट सेशन आपके साथ लिया था, उस समय मैंने एक ही बात बोली थी कि पेपर IIT का कभी भी किसी भी साल टफ नहीं आता, लॉजिकल आता है, कंसेप्चुअल आता है। कुछ क्वेश्चन लेंथी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल हो सकते हैं, कुछ मैनेजेबल हो सकते हैं। जब भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने इसके पहले बोला था कि सर हमारे इंस्टीट्यूट में या बहुत सारे लोगों के हमने सेशन देखे वहाँ बोला था पेपर टफ आएगा, मैंने जब भी बोला था और अभी भी सबसे ज़्यादा आप तो ये हाईएस्ट मैसेज हैं कि सर JEE मेंस 2 जो है वो बहुत टफ आएगा, सभी जगह ये बोला जा रहा है क्योंकि 1 इजी आया था। मैं आपको एक बात बता दूँ, ना 1 इजी था, ना 2 इजी है, ना 1 टफ था, ना 2 टफ है। इसका मतलब क्या समझिए, अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आपको पेपर डेफिनेटली बनेगा, आप कंसेप्चुअली वीक हो तो आपको पेपर टफ लगेगा। देखिए, जो चीज़ हमें बनती है वो हमेशा सिंपल होती है, जो नहीं बनती वो टफ होती है। तो मैं आपको लास्ट मिनट में ऐसी कुछ टिप्स बताना चाहूँगा जिनको ध्यान रखिए। नंबर 1, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर टफ आता, IIT का पेपर टफ नहीं आता। IIT का पेपर बहुत ही लॉजिकल, कंसेप्चुअल, फंडामेंटल बेस्ड आता है। और मैंने अभी लास्ट आपके साथ लास्ट 1 वीक से जो क्विक रिविजन क्लास ली थी उसका एक मेन पर्पज़ भी वही था, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़े हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर क्लास का रिवीजन क्विक का सेशन ही यही था। अगर आप में से कोई ये सेशन सुन रहा है और अगर उसने क्विक रिवीजन क्लास नहीं देखी टॉपिक वाइज, तो मैं बोलूँगा एक बार जरूर देखिए, आपके कंसेप्ट, आपके थॉट के तरीके बदल जाएंगे। मैंने उनमें मिनिमम टाइम में टॉपिक का ना केवल रिवीजन किया है बल्कि JEE के जनवरी के जो 8 पेपर हुए थे उनके भी मैंने सॉल्यूशन क्वेश्चन के डिस्कशन किए और हर क्वेश्चन डिस्कस किया है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहे हो, नहीं तो नहीं कर सकते, चाहे लिमिट का हो, चाहे कॉम्प्लेक्स का हो, चाहे परमुटेशन का हो, चाहे प्रोबेबिलिटी का, एक एक स्टेप में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। रीजन जानते हैं क्या, क्योंकि हमने उसको फाउंडेशन से लिंक किया है। तो इसलिए बिल्कुल मिसगाइड मत होइए, पेपर सिंपल ही आएगा, आपसे बनेगा। बहुत पॉजिटिव माइंड से जाइए, आप में से 70% से ऊपर वो लोग हैं जिन्होंने 1 दिया हुआ था, आप सबको पता है कि क्या होने वाला है, तो 2 में आप उससे बेहतर ही परफॉर्म करेंगे। जो 1 में मिस्टेक की है वो 2 में नहीं करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बताना चाहूँगा। नंबर 1, कि आज जब आप ये सेशन सुनेंगे तो नाइट हो चुकी होगी, यानी 6th और 7th का डे आपको मिलने वाला है। 8th से तो आपके पेपर है, आप कौन सी शिफ्ट में वो देखना है। इन लास्ट 2 डेज में नॉन स्टॉप आप बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें, अब समय आ गया है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ये 2 डेज में मैं आपको एक बात बोलूँगा, बल्कि हो सके तो 7 तारीख को, 7 अप्रैल को आप तो कोई गेम खेलने जाओ, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश और न्यूट्रल कर लीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी पेपर में परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। जब हम पेपर देते हैं आपको 3 आर में PCM तीनों को कंडक्ट करना है, आपका टाइम मैनेजमेंट, पेपर एनालिसिस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको वर्क करना है, क्योंकि ये इस साल का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है 2 बार हो ना हो, इस बार क्योंकि टोटल ऑनलाइन किया था इसलिए 2 बार पेपर रखा है, नेक्स्ट ईयर का हमें कुछ नहीं पता। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक तो मैं आपको इस सेशन में बताऊँगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, दूसरा लास्ट 2 डेज में क्या करना चाहिए। नंबर 1, आप जैसे ये सेशन सुन रहे हो पढ़ाई स्टॉप कर दीजिए। कल का दिन यानी पेपर के एक दिन पहले वाला दिन जो हो, सैटरडे का दिन, मैं आपको बोलूँगा आप बिल्कुल किसी भी तरह की ना कोई बुक खोलेंगे ना पेपर सॉल्व करेंगे, बल्कि ब्लैंक पेपर पे, ब्लैंक पेज पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो पिछले कई दिनों से आपने पढ़ा है उसका रिविजन बिना बुक खोले करेंगे। मैंने आपको क्विक रिविजन में इसी बात को नोटिस किया, यहाँ पर पूरा जो सेशन था उसमें मैंने बिल्कुल क्वेश्चन के समय पेपर उठाया, बाकी पूरे समय जो जो मेरे दिमाग में था वही रिवाइज किया। वही चीज़ मैं चाहता हूँ आप करिए और आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो जो जो टॉपिक आपने PCM में पढ़े हैं वो करिए, एक बात। दूसरा, आप में से कुछ बच्चों ने बोला था कि सर सिलेबस 100% नहीं हो पाया है या 12th के हिसाब से पढ़ा था, अब क्या करें।
जितने भी परसेंट सिलेबस हुआ है, चाहे 20% हो, चाहे 50% हो, चाहे 80% हो, उतने ही सिलेबस को बिना बुक खोले, रिमेंबर बिना बुक खोले रिवाइज करिए, बिल्कुल नया पढ़ने का टाइम खत्म। अब रहा ये सैटरडे का वर्क, संडे को तो आप ये ना करें तो और अच्छा है। केवल जिनका 9th को पेपर है उनको जो चीज मैं बोल रहा हूं उनके लिए 8, जिनका 10th को उनको 9th, जिनका 11th को उनको 10th, जिनका 12th को उनके लिए। तो आपको एक दिन बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, मेडिटेशन करिए, मंदिर जाइए, गेम खेलिए, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, जो अच्छा लगता है, दिन भर अपने आप को मेंटली फ्री रखिए, जिससे पेपर में आप रिकॉल कर पाएं। होता क्या है, अगर हम पेपर के कुछ समय पहले पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत मजा आता है। जैसे आपने मान लो पेपर के 1 घंटे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर का रिविजन किया, पेपर में आपको देखते ही वो क्वेश्चन बन गया, आप खुश हो, अच्छा रहा, सुबह पढ़ लिया। पर आप एक चीज़ देखेंगे, उसके बाद बाकी सारे टॉपिक्स के रिवाइज करने में या रिकॉल करने में, फॉर्मूले में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम ना, इसलिए लास्ट डे आपको ये करना है। दूसरी बात, आपको हर एक पेपर को लॉजिकली 1 आवर देना है। जिस ढंग से मैंने मैथ्स करवाई, अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग किया तो मैं श्योर हूँ कि आप मैथ्स से टाइम बचा के फिजिक्स में दे सकते हो। नॉर्मली लोग मैथ्स को 1.5 घंटे देते हैं, फिजिक्स को 1 घंटे और केमिस्ट्री को 1/2 घंटे, पर जो मेरा मैथ्स का अप्रोच है, अगर उस अप्रोच को आपने समझा हो या उस अप्रोच से आपने पढ़ा हो, आप में से जितने लोग ऑनलाइन वाले हैं सबको बोलूँगा, आप बिल्कुल दिमाग में रखो, अगर आपने वो चीज़ें बहुत अच्छे से करी हैं, क्वेश्चन देखते ही बनेंगे, याद करिएगा मुझे, वही इसलिए क्विक रिविजन कर रहा था, सब कुछ बनेगा। तो ट्राई ये करिए, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा फिजिक्स, मैथ्स से बचे हुए टाइम को फिजिक्स में लाएं। अब आती है बात कि जब भी हम कोई पेपर देखते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है। पहले इंप्रेशन में मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपको लगेगा पेपर बहुत टफ है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, घबराइएगा मत। बस यही एक समय होता है जो स्टार्टिंग में पेपर देख के फील आता है, वही अगर 2 मिनट आपने अपने आप को संभाल लिया तो मैं श्योर हूँ कि आप स्कोर अच्छा कर लेंगे। उन 2 मिनट में अगर ये फील आ गया कि अरे ये पेपर बहुत टफ आया, नहीं बनेगा, ये हर, चाहे आप जनवरी वाले जिन्होंने दिया होगा उनको ये फील आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको बस उसी चीज़ को समझना है कि जैसे ही पेपर देखो सबसे पहले आप स्कैनिंग करिए, 5-10 मिनट स्कैनिंग को दीजिए, फिर मैथ्स में, रीजनिंग में, मैथ्स में, कंप्यूटर में या फिजिक्स में उन क्वेश्चंस को करिए, और कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं। अगर आप मैथ्स में कंफर्टेबल हैं तो पहले मैथ्स कर लें, केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री, फिजिक्स में, इस पर मेरा कोई बाउंडेशन नहीं है, जो आप करना चाहें। पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप मान लो मैथ्स करते हैं, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ इसलिए मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, तो मैथ्स में पहले सिंपल क्वेश्चन करिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर लिया, परम्यूटेशन का कर लिया, प्रोबेबिलिटी का कर लिया, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी बेस्ड आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टी बेस्ड, और याद रखिए हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आएगा वो नॉर्मली प्रॉपर्टी बेस्ड आता है, ऐसा ध्यान रखिए। इंटरकनेक्शन जिनमें हो टॉपिक्स में, अगर वो टॉपिक रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सेकंड राउंड में करिए, यानी क्वेश्चन को प्रॉपरली सिलेक्ट करिए। ये मत सोचिए कि 30 करना है, आप ये सोचिए कि पहले 15 राइट कैसे करना है, 15 राइट फिजिक्स में कैसे करना है, 15 राइट केमिस्ट्री में कैसे करना है, क्योंकि जैसे ही आपने ये सोचा 50% पेपर, आप कट ऑफ से बहुत ऊपर निकल गए। तो आपके थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए कि पहला काम 50% राइट पे अप्रोच करनी है, फिर बचे हुए टाइम में, फिर जिसमें आपका ज़्यादा कमांड है उस पे आप वर्क करो। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप 70-80% कर सकते हैं, यानी आपकी टेक्निक्स बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा, 8 तारीख वालों को उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा, पर 9th, 10th और 11th और 12th वालों को एक एडवांटेज जरूर मिलेगा पेपर आने के बाद, कि पेपर किस तरह का आया, किस लेवल का आया। पर मैं फिर बोलूँगा कि जब जनवरी में पेपर हुआ था, पेपर किस तरह का आया पता चलने के बाद भी आपको फिर वही बात आएगी कि आप अगर किसी बच्चे से पूछेंगे फर्स्ट शिफ्ट वाले से क्या क्या आया, तो वो आपको बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन आया, इंटीग्रल आया है, डिफरेंशिएशन आया है, कॉम्प्लेक्स आया, हर टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है। तो पर फिर भी 9th, 10th वालों को एक छोटा सा ये बोनस मिल सकता है या बेनिफिट मिल सकता है कि पेपर आ चुका होगा तो एक लेवल पता चलेगा। तो मैं भी कोशिश यही करूंगा कि दोपहर में पहली शिफ्ट के बाद पेपर आते ही जो बच्चे क्वेश्चन भेजेंगे मेमोरी बेस्ड, उससे आपको मैं उनके सॉल्यूशन बताऊं, जिससे कि अगर आप 9th में एग्जाम दे रहे हैं तो आप बस इतना ही करिए। 9th, 10th, 11th, 12th वालों को बोलूंगा जो बात मैंने बोली है 8 वालों के लिए वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। बस आप अगर कुछ करें तो 8 को जो पेपर हो वो, अगर पेपर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें तो उन पेपर्स के सॉल्यूशंस को देख लें, एंड नथिंग एल्स कि आप कुछ नया पढ़ें, नया तो भी नहीं पढ़ना। 10th वालों को एडवांटेज है कि 8 और 9 दो पेपर मिलेंगे, 11th वालों को यहाँ के 6 पेपर मिलेंगे, 12th वालों को यहाँ पर ऐसे 8, तो ये एक एडवांटेज मिल सकता है। पर आपको उसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आप देखिए पता होता है, जैसे आपने जनवरी अटेम्प्ट दिया था वैसे ही पेपर आने वाला है, तो पेपर का पैटर्न, पेपर के क्वेश्चन लेवल सब कुछ पता है,
बस आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव माइंड से इस पेपर को दीजिए, और जैसे जैसे पेपर आएंगे मैं आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से जाने की जरूरत है।